मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वोट का बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है, चुनाव का बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि जागीर के दहरपुरा गांव में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। करहल के नगला जंगी में ग्रामीणों ने वोट न डालने का फैसला किया है। एक युवक की हत्या के मामले में ये पूरा फैसला लिया गया है। डीएम के समझाने पर भी नहीं मान रहे ग्रामीण, ग्रामीणों को समझाने में जुटा है प्रशासन। तो मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव का बहिष्कार। जागीर के दलपुरा गांव में चुनाव का बहिष्कार हुआ। करहल के नगला उंगी में ग्रामीणों ने नहीं डाले वोट। एक युवक की हत्या मामले से नाराज हैं ग्रामीण और फैसला किया कि वोट नहीं डालेंगे। सरकार से किसी तरीके की मदद उनको नहीं मिलती है। प्रशासन लोगों को मनाने में लगातार लगा हुआ है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको करहल के दलपुरा गांव की, जहां पर कोई भी वोट डालने नहीं आ रहा। मैनपुरी की तस्वीरें हैं ये। ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया है। एक युवक की हत्या का मामला था जो सुलझा नहीं, जिसको लेकर प्रशासन से ग्रामीण बेहद नाराज हैं और फैसला लिया है कि किसी भी तरीके से सरकार को चुनने में अपना योगदान नहीं देंगे, क्योंकि सरकार कभी भी उनकी परेशानियों में उनका साथ नहीं देती। वो कहीं भी शिकायत करने जाते हैं तो उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती, इसलिए वो खुद को अलग थलग रखेंगे और चुनाव में अपना योगदान नहीं देंगे। सभी ने फैसला लिया कि वो चुनाव बहिष्कार करेंगे। एडीएम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन लगातार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने अपना फैसला जो लिया है उस फैसले पर वो अडिग हैं। जारी है। मैनपुरी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है। एक युवक की हत्या के मामले में यह फैसला लिया गया, जहां पर ग्रामीण प्रशासन से नाराज थे और फिर चुनाव के दिन उन्होंने फैसला लिया कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विद्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी ग्रामीण वोट करने नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने फैसला किया है कि वो अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी तरीके से सरकार को चुनने में अपना योगदान नहीं देंगे। इसी बीच लेकर चलते हैं आपको, लालकृष्ण आडवाणी वोट डालने पहुंचे हैं, अपने मत का अधिकार करने आए। दिखाते हैं तो आपको बता दें, गांधीनगर सीट से लालकृष्ण आडवाणी पिछले लोकसभा चुनाव तक बीजेपी पार्टी की तरफ से हमेशा उम्मीदवार रहे। इस बार अमित शाह यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसी बीच अब लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपने मत अधिकार का प्रयोग करने, चुनाव में वोटिंग करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी बूथ पर पहुंच चुके हैं। पूरी प्रक्रिया चल रही है, आपको दिखा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी वोट करने पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
तो इससे पहले आपको दिखाया किस तरीके से मैनपुरी में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। एक युवक की हत्या के मामले में ग्रामीण लगातार नाराज चल रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि वो वोट नहीं करेंगे। इस पर हमारे सहयोगी मैनपुरी से जुड़ चुके हैं, नदीम मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, क्यों ग्रामीणों ने ये बड़ा फैसला लिया है? देखिए, ग्रामीणों का फैसला लेना कोई लाजमी है, क्योंकि पिछले 5 सालों से अपनी बात को कोई नहीं है। गाँव की स्थिति बहुत बात सब में जर्जर जर्जर हालत है, और आज ग्रामीणों ने अपने मत का ना प्रयोग कर अपना किया है कि अगर गाँव में विकास नहीं होगा तो वोट नहीं है, जिसके चलते अभी घड़ी में 2 बजने वाले और अभी तक 5 वोट पड़े हुए हैं, जिससे प्रयास होगा उसके बाद ही मैं वोट डालने का प्रयास करूंगा। इसी तरीके कोई एक घटना भी, 3 घटना हो गई, एक अलाव में भी हुई है घटना, वहां पर भी ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है, वोट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन केरल इलाज पड़ता है वहां पर नेताओं को दे रहा है के साथ गांव पहुंचा हुआ है, ग्रामीणों को मनाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग वहां पर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, लेकिन ग्रामीणों की कोई भी बात नहीं। चलिए नदीम, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से हमने आपको दिखाया किस तरीके से ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया है। एक युवक की हत्या के मामले में ग्रामीणों ने नाराज होकर वोट न करने का फैसला किया।